पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन भानु ने खोला भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा, लगाया धरना आंदोलन। तहसील प्रांगण पीलीभीत में आज दिनांक 17 नवंबर दिन शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन भानु की तहसील स्तरीय मासिक पंचायत तहसील प्रांगण सदर पीलीभीत में जिला अध्यक्ष भजन लाल क्रोधी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत में तहसीलदार महोदय को पूर्व में हुए दिए गए ज्ञापनों पर कार्यवाही न होने के कारण दोबारा से 6 सूत्रीय ज्ञापन मांग पत्र सौंपा गया तथा पंचायत को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भजन लाल क्रोधी ने कहा कि तहसील प्रशासन के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण नहीं हो रहा है गरीब किसानों के कार्य। पीलीभीत तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। छोटे छोटे किसानों से धन उगाही होती है, ये गलत है, इसे रोकना होगा। पंचायत को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष नंद किशोर राठौर ने कहा कि पीलीभीत सदर तहसील में लेखपालों के रुतबे बुलंद हैं। ने कहा है, हम लोगों ने पिछली बार भी ज्ञापन दिया, इससे पिछली बार भी ज्ञापन दिया, गन्ने की समस्याएं बहुत जटिल हैं। गन्ने के मामले में जो छोटा किसान है उसकी आज भी, जबकि एक गन्ना के गन्ने का एक कानून है कि छोटे किसानों की जिनकी 2 पर्ची 3 पर्ची हैं उनकी शुरू में ही 60 दिन के अंदर पड़ जाना चाहिए, लेकिन काफी दिन बीत गए हैं फैक्ट्री को चलते हुए और दूर दूर तक किसानों को, छोटे किसानों को अपनी पर्ची निगाह नहीं आ रहा, ना रही कैलेंडर में, ना भी ना कोई जिला प्रशासन वो गन्ना प्रशासन को इस पर ध्यान दे रहा है। से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिले के प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जनता तक पहुँचने ही नहीं दे रहे। इसी क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू संजय तोमर, जो कि 15 वर्षों से तैनात है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रत्येक ऐसा कोई भी कर्मचारी जो 3 या 3 वर्ष से अधिक एक ही टेबल पे काम कर रहा है उसे तत्काल रूप से अन्यत्र स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।